ये चार इलायची आपके प्यार को मिलाएगा। जो प्यार आपसे दूर हो गया है, आपसे नाराज है, किसी दूसरे के आ जाने से या किसी के कहने में आ जाने से आपका प्यार आपसे दूर हो गया है। आप चाहते हैं वह पुनः आपके पास आए। तो प्यारे भक्तों, अपने प्यार को वापस पाने के लिए यहाँ मैं टोटका लेकर आया। इस टोटके को करके आप अपने प्यार को पुनः वापस पा सकते हैं और खुशी खुशी उसके साथ रह सकते हैं। भक्तों, यदि आपको लगता है कि किसी गलती करके या फिर किसी तीसरे के आ जाने से आपके बीच में दूरियां बनने लग गई हैं, तो भक्तों इस टोटके को अवश्य करें। यदि आपको कोई सलाह, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है प्यार से रिलेटेड, तो एक बार आप हमारे इन दिए गए नंबरों पे अवश्य संपर्क करें। आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो कैसे करना है? ये चार इलायची का प्रयोग करके आप अपने प्यार को पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मंत्र को। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा प्यारे भक्तों, उसको सिर्फ 3 बार आपने उच्चारण करके मुख से फूंक मार देनी है। आपका प्यार आपके पास तोड़ता हुआ आएगा, आपके आके सीधा गले लगेगा या टोटका करते ही, क्योंकि यह टोटका बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा मंत्र। में मंत्र का सिर्फ एक ही बार उच्चारण करूंगा। सिर्फ इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके आप इस सामग्री को सिद्ध कर लीजिए। मंत्र है प्यारे भक्तों, त्रि त्रि कुरु त्रि त्रि स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके अपने मुख से 3 बार इन इलायचियों पे फूंक मार देनी है। फूंक मारने के पश्चात आपने चारों इलायची को अपने सर के ऊपर से घुमाकर आपने प्यारे भक्तों, जो आपका प्यार है, जिसका आपको पता है वो दूर चला गया है या कहीं दूर रह रहा है, तो उसके घर के सामने या फिर उसके फोटो के ऊपर से 2 बार अपने प्यार को पुकार के उसके ऊपर फेंक के चले आना है। यदि आपका प्यार दूर रहता है तो बीच चौराहे में जाकर फोटो के साथ आपको फेंक देना है। बस इतना सा कर देना है प्यारे भक्तों। यह जो मैंने मंत्र दिया है, यह मंत्र सिद्ध किया हुआ है। यह मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मंत्र हमारे गुरु जी द्वारा घोर तपस्या करके तैयार किया गया है। इसका 100% फायदा आपको मिलेगा। बस इस टोटके को हमारे बताए अनुसार कर लें। यदि भक्तों आपको कोई और समस्या है, जैसे ग्रह प्रॉब्लम चल रही है, पति पत्नी में अनबन चल रही है, स्वतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हो, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, तो एक बार आप निसंकोच होकर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी उस समस्या का समाधान हम अवश्य निकाल के देंगे। जय माता दी प्यारे भक्तों।